फिल्म पुष्पा 2 के स्टार अल्लू अर्जुन बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्लू अर्जुन ने अपनी गिरफ्तारी के तरीके पर आपत्ति जताई है। अल्लू अर्जुन का यह भी कहना है कि पुलिस ने उन्हें सीधे उनके बेडरूम से उठा लिया था, उन्हें अपने कपड़े तक बदलने का मौका नहीं दिया गया। जहां पहले अल्लू अर्जुन ने प्लेन टी शर्ट पहनी थी, बाद में वो हुडी में बाहर आए जिस पर लिखा था फ्लावर नहीं फायर है। उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी इस वीडियो में परेशान होती नजर आ रही है। अब एक तरफ तो साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हैं, जिन पर इतने तेजी से ये एक्शन लिया गया, लेकिन 5 महीने पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में जब एक सत्संग के दौरान भगदड़ मची थी, उसमें भोले बाबा यानी वो शख्स जिनका सत्संग था उनका नाम तक नहीं था। फिल्म पुष्पा 2 के स्टार अल्लू अर्जुन बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। उन्हें हैदराबाद पुलिस ने संध्या थिएटर में भगदड़ की वजह से महिला की जान जाने के केस में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन ले गई है। इस बीच बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिस तरह अल्लू अर्जुन को उनके घर से गिरफ्तार किया, इस पर एक्टर ने आपत्ति जताई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्लू अर्जुन ने अपनी गिरफ्तारी के तरीके पर आपत्ति जताई है। एक्टर ने दावा किया है कि पुलिस ने उन्हें अपना नाश्ता तक खत्म करने नहीं दिया। अल्लू अर्जुन का यह भी कहना है कि पुलिस ने उन्हें सीधे उनके बेडरूम से उठा लिया था, उन्हें अपने कपड़े तक बदलने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि एक वीडियो सामने आया है जिसमें अल्लू अर्जुन को घर में ले जाते हुए दिखाया जा रहा है। जहां पहले अल्लू अर्जुन ने प्लेन टी शर्ट पहनी थी, बाद में वो हुडी में बाहर आए जिस पर लिखा था फ्लावर नहीं फायर है। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उन्हें लोगों से घिरा हुआ देखा जा सकता है। अल्लू अर्जुन ने इस वीडियो में व्हाइट हुडी पहनी हुई है। इस हुडी पर हिंदी में लिखा है फ्लावर नहीं फायर है मैं। वीडियो में एक्टर को चाय पीते हुए भी देखा जा सकता है। उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी इस वीडियो में परेशान होती नजर आ रही है। ऐसे में अल्लू अर्जुन पत्नी को समझा रहे हैं। अपनी चाय खत्म करने के बाद एक्टर पुलिस के साथ उनकी गाड़ी में रवाना हुए। पुलिस ने अल्लू अर्जुन के बॉडीगार्ड संतोष को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस अल्लू अर्जुन को मेडिकल टेस्ट के लिए भी लेकर गई है। इस मामले में शिकायत के आधार पर एक्टर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा की टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 105 और 118(1) के तहत चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। अब क्या था वो पूरा मामला जिसके तहत अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है, ये भी जान लीजिए। दरअसल हैदराबाद के संध्या थिएटर में 4 दिसंबर की शाम फिल्म पुष्पा 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। कहा गया था कि अल्लू अर्जुन यहां अपनी फिल्म को देखने के लिए आएंगे। ऐसे में अपने फेवरेट सितारे को देखने के लिए ढेरों फैंस की भीड़ थिएटर के बाहर पहुंच गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। इसी भीड़ से मिलने अल्लू अर्जुन अंत में पहुंचे। एक्टर को देखने के लिए लोग भागे और भगदड़ मच गई। हैदराबाद से इस मौके पर कई वीडियो भी सामने आए थे जिनमें ढेरों लोगों की भीड़ को अल्लू की गाड़ी के चारों तरफ जमा होते हुए देखा जा सकता था। इस भीड़ में एक बच्चा बेहोश हो गया था, तो वहीं 35 साल की एक महिला की मौत भी हो गई थी। दरअसल ये महिला पूरे परिवार के साथ पुष्पा 2 देखने पहुंची थी। हादसे के कुछ दिन बाद अल्लू अर्जुन ने वीडियो शेयर किया था और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पर अपना रिएक्शन भी दिया था। अल्लू अर्जुन ने कहा था कि संध्या थिएटर में जो हादसा हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं संध्या थिएटर गया था, मैं पूरे सिनेमा को देख भी नहीं पाया क्योंकि उसी समय मुझे मेरे मैनेजर ने कहा कि भीड़ बहुत है, हमें यहां से निकलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा था कि फिर पूरे मामले की जानकारी मुझे अगले दिन सुबह दी गई। मैं शॉक था जब मुझे पता लगा कि वहां ये सब हो गया है, तो मैं ब्लैकआउट हो गया था। सुकुमार सर भी इस पूरे मामले से काफी परेशान हैं। हम परिवार के सपोर्ट में खड़े हैं। परिवार को हम लोगों ने 25 लाख रुपए दिए हैं, उन्हें कुछ समय दिया है जिससे वो इस दर्द से बाहर आ सके। मैं बाद में किसी दिन जाकर पूरे परिवार से मिलूंगा। हम हमेशा परिवार के साथ रहेंगे और उनका सपोर्ट करेंगे। अब एक तरफ तो साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हैं, जिन पर इतने तेजी से ये एक्शन लिया गया, लेकिन 5 महीने पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में जब एक
सत्संग के दौरान भगदड़ मची थी और उस घटना में 121 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। उस घटना पर पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की थी उसमें भोले बाबा यानी वो शख्स जिनका सत्संग था उनका नाम तक नहीं था। इतना ही नहीं, बाबा तो अपना बयान दर्ज कराने भी बीजेपी विधायक की गाड़ी से न्यायिक आयोग पहुंचा था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि टू रॉन्ग्स मेक राइट, लेकिन एक ही प्रकार की घटनाओं में दो तरह की कार्रवाई पुलिस की प्रक्रिया पर सवालिया निशान जरूर खड़ा करती है। आपका क्या मानना है? क्या पुलिस सभी आरोपियों को एक बराबर ट्रीट करती है या पुलिस के लिए कुछ लोग सॉफ्ट टारगेट होते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को साथ ही साथ जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।